ओ एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड फोकल गेमिंग वंस अगेन गाइस। गाइस हमेशा बारिश होती है, आज थोड़ा हवा भी चल रही है, जोर से आवाज़ क्लियर आ रही होगी। आज काफ़ी मस्त हवा चल रही है। तो गाइस अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है, एक और ब्लॉग। और इस ब्लॉग में गाइस हम हंटिंग तो करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा स्पेशल वेदर किया होगा। इतना हवा चलता नहीं यहाँ पे, ना चलता है, लेकिन बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पे। जैसे कि आप सबको पता है कि हर रोज़ बारिश होती है यहाँ पे। तो आज बारिश होने से पहले गाइस हवा भी, और हमेशा गाइस क्लाउड, जितनी बार मैंने ब्लॉक किया है 100% बार ये क्लाउड ही मिलेगा आपको। क्योंकि मलेशिया में गाइस दो ही वेदर होता है, एक होता है बारिश और एक होता है गर्मी, यानी कि ह्यूमिडिटी। गर्मी का मतलब ऐसा नहीं कि आप जल जाओगे धूप में, नहीं, धूप में आपको जलन नहीं होगी, लेकिन एक ह्यूमिडिटी होगी। लेकिन अभी हवा चल रहा है ना, तभी उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है। गाइस ये पेड़ पौधे देख सकते हो गाइस, बहुत बहुत ही अच्छे इंडिया में भी मिलते हैं। तो चलते हैं हम कुछ हंट करते हैं हमेशा की तरह। आज छुट्टी है, छुट्टी का माहौल है, आज शाम को स्ट्रीम होएगा। एंड उससे पहले मुझे कुछ, कभी मैंने इसके अंदर नहीं गया, इस जंगल के अंदर नहीं गया था। देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ओह नाइस, वाओ भाई, देख लो भाई, मैं कभी इसमें नहीं आया। इसकी कटाई होती है हर अरे नहीं, ये पेड़ है यार, देख लो। अबे ये तो पता ही नहीं था मुझे भाई, इसको टच करने से गाइस ये हो जाता है। ये देखो टच करने से ये छोटा हो जाता है, पत्ते से सिकुड़ जाते हैं इसके। देखो टच करने से ये हो जाता है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे दिखाता हूँ, शायद यहाँ दिखेगा। देखो टच करने से ये हो गया, नाइस। लोग सोच रहे हैं भाई इस जंगल में क्या कर रहा हूँ, जंगल नहीं है, रास्ता कहाँ है, सांप वाप भी होता भाई यहाँ पर। थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे, क्राइम पेट्रोल देखते ही रहे हमेशा। हाँ आ गया, चलो यहाँ पे आ गया फाइनली रास्ते पे। गाइस जैसे देख सकते हो मीलों दूर तक कोई नहीं है, रास्ते सन्नाटे हैं। और हम जाएंगे उस दिशा में गाइस, हमारा मंजिल है उस दिशा में। जस्ट हम लोग इधर से आए हैं ऐसे ऐसे करके इधर से आए हैं। और यहाँ पे गाइस ये है साइकिल, आप साइकिल चलाने का रास्ता, ये साइकिल चलाने का रास्ता है, आप इसमें सिर्फ साइकिल चला सकते हो। और आपको साइकिल कहाँ मिलेगी, आपको कहीं भी मिल जाएगी यहाँ रास्ते में साइकिल। आपको पे करना है और यूज़ करना है। अगर आपके पास अपना साइकिल है इट्स गुड, अगर नहीं है तो आप भाड़े पे ले सकते हो, आपको रास्ते में मिल जाएगी कहीं ना कहीं। इसी फ्लैट में मैं रहता हूँ, 1,00,000 समथिंग बार मैंने दिखा दिया ऑलरेडी अपने घर, अंदर से भी बाहर से भी। तो हम चलते हैं, फिलहाल हम जा रहे हैं कहीं उस दिशा में जाएंगे गाइस, हमारा मंजिल है उस दिशा में। और काफ़ी तेज़ रफ्तार से एक बाइक पार हुई है, वो एक और, तो काफ़ी तेज़ रफ्तार से, क्योंकि रास्ता भाई ये अगर इंडिया होता तो इससे डबल रफ्तार में लोग जाते, बिकॉज यहाँ पे लोगों की आदत हो चुकी है राइट, कि रास्ता खाली ही रहता है, ज़्यादा इतना ट्रैफिक नहीं होता। हाँ केएल साइड में, मतलब कुआलालंपुर साइड में, जहाँ पे एकदम प्रॉपर जहाँ पे ये है टावर है, पेट्रोनस का टावर है, उस साइड में काफ़ी ट्रैफिक होती है, बट इधर उतना ट्रैफिक नहीं है। इधर है रेजिडेंशियल एरिया, यू नो रेजिडेंशियल मतलब जहाँ पे घर वर रहते हैं लोग। और जो पेट्रोनस साइड में है, केएल के साइड में है, उस साइड में बिजनेस हाउसेस, बिजनेस ऑफिसेस वगैरह रहती हैं। तो ऐसा ही डिफरेंस है। आप सीधे जाएं एंड आप लेफ्ट ले सकते हो, सिंबल है यहाँ पे, इसका मतलब यही है कि आप स्ट्रेट जाएं या तो लेफ्ट लीजिए। और एक और बोर्ड है यहाँ पे, देख सकते हो गाइस यहाँ पे, इधर से भी रास्ता है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ कुछ दिन पहले गाइस इस जगह पे कुछ दिन पहले जंगल था, बिल्कुल सेम जंगल, उस टाइप का जंगल था, बट बस कुछ ही महीनों में इन लोगों ने यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दिया है। और जैसे देख सकते हो गाइस यहाँ पे इसका मार्क क्या होता है, देखो साइकिल का मार्क दिख रहा है आपको, ये साइकिल का मार्क, इसका मतलब आप साइकिल चला सकते हो इस रास्ते पे, साइकिल चलाने का रास्ता है। येलो है, देख सकते हो यार, येलो में लोग अपने आप रुक जाते हैं, यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है। रेड है, येलो रेड, लोग ट्रैफिक
लाइट्स को, ट्रैफिक सिग्नल को काफ़ी फॉलो करते हैं, यहाँ पे करना भी चाहिए, देख सकते हो। अगर ये ट्रैफिक लाइट का सिग्नल का फॉलो नहीं करें तो भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ कैमरा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कोई नहीं है, फिर भी ये बंदा रुका हुआ है, देख सकते हो ये बंदा रुका हुआ है, कोई नहीं है आसपास, कोई नहीं है गाइस, ये आराम से जा सकता है, ये बंदा भी आराम से जा सकता है, ये भी अकेला रुका हुआ आराम से जा सकता है, बट ये यहाँ बाइक वाला भी है, लेकिन वो जोमेटो वाला है, हाँ नहीं नहीं उसका चल चुका, उसका आई थिंक खुल चुका है, उसका ग्रीन हो चुका है इसलिए चला गया वो, बट ये बंदा अपनी अनुशासन का पालन करते हुए, और ये जब ही जाएगा तभी जाएगा जब वो सिग्नल जो है ग्रीन हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि क्या होने वाला आगे, ग्रीन होने से पहले जाने वाला है या वो लोग जा रहे इसलिए क्योंकि वहाँ ग्रीन है, ग्रीन है, और ये अभी भी रुका हुआ है, लोग जा रहे हैं और अभी भी रुका हुआ है यहाँ पे बंदा, बस काफ़ी अच्छा है। मैंने बस में आज तक ट्रैवल नहीं किया यहाँ पे, यहाँ बस में ट्रैवल, देखो ग्रीन हुआ है और ये अपनी अनुशासन का पालन करते हुए ये आगे बढ़ चुका है। तो इसी प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से लोग ट्रैफिक सिग्नल का पालन कर रहे हैं, जो हमें भी करना चाहिए। और गाइज भारत में या खासकर बंगाल में आप देख सकते हो गाइज इस फूल का जो है काफ़ी महत्व है। किस फूल का? इसको बोलते हैं जावा का फूल, जावा का फूल काफ़ी महत्व है इस फूल का, और यहाँ पे भी मलेशिया में भी काफ़ी महत्व है इस फूल का, देख सकते हो गाइस काफ़ी सुंदर फूल है, ब्यूटीफुल, इसे बोलते हैं हम बंगाल में बोलते हैं जावा का फूल, आई डोंट नो आपके साइड में क्या नाम होगा इसका, इसका अंग्रेज़ी में नाम भूल गया मैं, इसका अंग्रेज़ी में भी नाम जाना करता था बचपन में बट मैं भूल गया, काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो सुंदर फूल, ब्यूटीफुल। तो हम फिलहाल जा रहे हैं हंट के लिए, हंट उसी प्रकार का हंट होगा सेम, लेकिन हंट से पहले कुछ चीज़ दिखाना चाहता था ये सब। समथिंग न्यू टुडे आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, आज कुछ नया चीज़ खाते हैं। ये क्या है? ये है चिकन, चिकन तंदूरी है ये वाला, ट्राई करूँगा बट आज ट्राई नहीं करूँगा, ये आज थोड़ा सा नॉन स्पाइसी। गाइस कोकोनट वाटर, अरे कोकोनट वाटर अच्छा यार, मेरी पहली बार तो मैं लेता कोकोनट वाटर ही, नाइस। हमेशा की तरह गाइस सेम प्लेस आया हूँ, क्योंकि यहीं पे एक अच्छा इंडियन खाना मिलता है, और अच्छा यहीं पर इंडियन खाना मिलता है, देख सकते हो गाइस ये है सोयाबीन, सोयाबीन की सब्ज़ी, कटलेट, चिकन है, ये है प्रॉन, झींगे का करी, प्रॉन करी, चिकन करी वन सेकेंड, ये है मटन करी, अगर अच्छा से कुक होता तो मैं खाता खाऊंगा, और ये है अपना अगेन ये मटन करी, और ये है वेज कैबेज आई थिंक, कैबेज, और ये सब है भिंडी वगैरह, भिंडी देख सकते हो काफ़ी है, और ये है बिरयानी गाइस, दिस इज़ बिरयानी, चिकन कटलेट, नॉन वेज, तो यही सब है यहाँ पे मिलता है इंडियन रेस्टोरेंट। मैं बार बार यहीं पे खाना खाने आता हूँ, लास्ट टाइम भी दिखाया था मैंने कि ये सब क्या है, लास्ट टाइम भी दिखाया था मैंने, तो यहाँ पे यहीं पे ऑथेंटिक खाना मिलता है इंडिया, इंडियन खाना, इसीलिए मैं आता हूँ, लेकिन मैं बार बार नहीं आता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि यार बोर हो जाऊँ, है ना, अगर बार बार अगर आओगे यहाँ पे खाने के लिए ना तो यू विल फील बोर ऑटोमेटिकली। अभी देखो बारिश होने की, देखो उधर देखो कितना रेड काला बादल, कुछ देर के बाद ही बारिश होगी, कुछ देर के बाद क्या है यहाँ पे हर कुछ देर के बाद ही हर रोज़ ही बारिश होती है, तो देख सकते हो गाइस यहाँ का सीन है, और ये गाड़ियाँ देख सकते हो यहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये है किया मोटर्स, किया मोटर्स जो इंडिया में भी आने वाली थी, वॉक्स वैगन, ये काफ़ी स्टाइलिश कार है, ये वाली काफ़ी स्टाइलिश कार है, काफ़ी स्टाइलिश कार है, नाइस,
और ये है प्रोटॉन, प्रोटॉन की कार है। यहाँ पे प्रोटॉन पर्डुआ देख सकते हो, रेंज कार, जैसे कि मैंने बार बार बताया गाइस, यहाँ पे जो है महंगी कार जो है देख सकते हो, वहाँ मर्सिडीज़ भी है। तो यहाँ पे महंगी कार जो है बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। रेंज रोवर काफ़ी एक्सपेंसिव कार होती है ये सब, बट यहाँ पे काफ़ी कॉमन होता है मैक्स, क्योंकि इसका कारण ये है कि यहाँ पे कार से रिलेटेड यानी कि पेट्रोल वगैरह काफ़ी सस्ता है। अगर पेट्रोल सस्ता हो ना तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए आप सब कुछ अफोर्ड कर पाते हो। अगर 30 रुपये लीटर अगर पेट्रोल मिले तो ऑब्वियसली ये बहुत ह्यूज एडवांटेज है। इंडिया में जहाँ 80 प्लस में पेट्रोल मिलता है, यहाँ पे कितना सस्ता मिलता है, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है उस पर पड़ता है कार के ऊपर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर पड़ता है। एंड बाकी सब चीज़ सस्ती हो जाती है ऑटोमेटिकली, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसमें डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, मोबिल भी आता है, तो ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाती है गाइस। कार भी सस्ती हो जाती हैं, पार्ट्स, कार के पार्ट्स सस्ते हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। देखो एक एक्सपेंसिव कार वहाँ से पार हो गई है। अगेन मैंने ऑर्डर कर लिया खाना, ये है समथिंग, और ये है मटन है जो मैंने ऑर्डर किया। सो गाइस अच्छा है, आज नॉनवेज खाने का मन करता। मैंने ड्रिंक में ऑर्डर किया वो वाटर, कोकोनट वाटर ऑर्डर किया, कुछ देर के बाद देने वाला है, देखते गए चलो कब देगा। चलो फिलहाल के लिए चेन्नई स्पाइस, तो आई एम डन विथ एवरीथिंग और हम चलते हैं टूवर्ड्स माय होम। तो ये जो पेड़ पौधा जो है एक बहुत कॉमन है यहाँ पे। देख सकते हो गाइस अगेन सेम प्लेस, काफ़ी सारे फ्लैग्स। ये पेड़ क्या है भाई, समझ में नहीं आता मुझे ये क्या है। लोग यहाँ पे कौवे खाते बहुत, ये क्या है आई डोंट नो, कौवे खाते रहते हैं हमेशा। देख सकते हो यहाँ पे कार की कितनी बार, गाइज ये है अपना वाटर एरिया। यहाँ पे आप पॉइंट डालिए और यहाँ से आप पानी ले सकते हो, और ये 24/7 है, ये इसी फ्लैट के अंदर ही है, तो आपको पानी के लिए बार बार ख़रीदना नहीं पड़ता है बाहर, या तो आप घर के जो पाइप से जो घर के जो नल से पानी आता है वो पीने लायक नहीं होता है। एक्चुअली टैप वाटर पी सकते हो आप, बट इट्स नॉट एडवाइज टू ड्रिंक टैप वाटर, इसलिए आप फिल्टर वाटर ले सकते हो यहाँ से। और ये मेरा लॉबी एरिया है जहाँ पे कार वगैरह पार्क होती है। चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ का स्विमिंग पूल ऑल्सो, स्विमिंग पूल भी यहाँ पे है जिसमें हम कभी कभी जाते हैं नहाने के लिए, और एक बार मैंने अपना आईफोन भी ड्रॉप कर दिया था स्विमिंग पूल में। यहाँ पे हमारा अपना स्विमिंग पूल भी है, ये है हमारा स्विमिंग पूल, हमें घर भी दिखता है यहाँ से, अपने खिड़की से भी देख सकता हूँ नीचे है। तो अगर किसी दोस्त को अगर स्विमिंग कर रहा है तो मुझे बुला सकता है यहाँ से, तो हम आ जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। तो इसमें एक्चुअली अराउंड 5.5 गहराई है यहाँ पे, इधर ज़्यादा गहराई है उधर कम है, 5.5 है, एंड काफ़ी अच्छा वाटर है। और ये पूरा रनिंग वाटर है, राइट, यस रनिंग वाटर है, यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ रनिंग वाटर है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। रनिंग वाटर मतलब ये देख सकते हो यहाँ पे पानी जो है बाहर निकल रहा है, पानी जो है बाहर निकल रहा है और इसमें जा रहा है, और ये फिल्टर होके वापस इसमें आता है। तो अगर बाई चांस ये गंदा कोई पानी हो गया तो पानी वापस जाता है, और पानी वापस इस पर आता है फिल्टर होके। ये छोटा सा पार्क टाइप का है,
इसी के अंदर ही, फ्लैट के अंदर ही, छोटा सा फ्लैट है ये अपना, दिखाया था उस समय। ये है पार्किंग इलाका, पार्किंग एरिया। कभी कभी स्विमिंग के लिए आते हैं भाई, यहाँ से वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ स्विमिंग करने के लिए, और मैं यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहाँ जाता हूँ। आप तीन या चार बार करोगे तो आपके, तीन चार तो बहुत दुखी बात है, एक ही बार करने में कितने लोगों की तो भाई हाल ख़राब हो जाती है। बहुत सारे लोगों को एक बार करने में, यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत ही ज़्यादा बैंड बज जाती है। क्योंकि मुझे स्विमिंग आती है, इसीलिए मैं हमेशा अप डाउन करता रहता हूँ, और बहुत ही मुश्किल होता है। और मैंने छः महीने नहीं, तीन चार महीने हो चुके हैं शायद मैं नहीं आया स्विमिंग करने के लिए। काफ़ी चिल्ड वाटर है, वाओ, नाइस। और वो है वॉशरूम, यहाँ से नहाने के, यहाँ पे नहाने के बाद आप फ्रेश वाटर से दोबारा आप नहाओगे। यहाँ पे कपड़े चेंज करने का भी है, गर्ल्स अलग है, गाइज अलग है। फ़िलहाल के लिए एक जो बिल्ली है, पता नहीं अपनी गर्लफ्रेंड से तंग आके सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, पता नहीं और क्या कर रही है, आई डोंट नो। और ये है अपना एरिया जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह रखता हूँ नॉर्मली, यहाँ पे वॉशरूम है, यहीं पे मैं नहाता हूँ। देखे वो सावर, किड्स प्लेइंग एरिया, चलते हैं वापस घर की ओर। योगा, योगा एरिया भी है यहाँ पे।